नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों पंचायती राज में कर्मियों की बहाली से रिलेटेड एक न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों उसी न्यूज़ के बारे में पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसी तरह के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर इसे ऑन कर दें ताकि आपको सारे अपडेट सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 23 जनवरी 2019 का न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है। दोस्तों पेज नंबर 16 में ये खबर छपी हुई है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंचायती राज में कर्मियों की होगी बहाली। यहाँ पे बताया गया दोस्तों, हर घर नल जल और गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग को प्रभावी बनाने के लिए पंचायती राज विभाग में राज्य और जिला स्तर पर प्रबंधन इकाई गठित होगी। इसको लेकर 460 पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों ये आपका बिहार में पंचायती राज में कर्मियों की बहाली का अपडेट निकाला गया है। दोस्तों बिहार की तरफ से 460 पदों की बहाली का अपडेट निकाला गया है कि जल्द ही ये 460 पदों पर पंचायती राज में कर्मियों की बहाली की जाएगी दोस्तों बिहार की तरफ से। दोस्तों तो ये काफ़ी अच्छी खबर थी दोस्तों, जो हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में 23 जनवरी 2019 को छपा हुआ दोस्तों पेज नंबर 16 में। अगर आप चाहें दोस्तों इस पूरी खबर का लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पेपर के ई पेपर का, आप चाहें तो वहां से भी खुद से आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। दोस्तों अगर उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह के न्यूज़ का अपडेट पाने के लिए दोस्तों और इसी तरह जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों इसे लाइक जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।